हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारा चैनल में, टॉनेट जोन में। तो आज हम सीखने का कोशिश करेंगे आई मिस यू बेबी गमा ड्रीम सर का। बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है, बहुत ही आइकॉनिक और बहुत ही फेमस सॉन्ग है। तो ये आज हम पूरा सीखने की कोशिश करेंगे, बट कुछ कुछ ऐसा लिक्स है जो मैंने मिस किया है, क्योंकि छोटा मोटा चीज़ को हम कवर नहीं किया है, क्योंकि उसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि अलग वीडियो लाने का, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो ये गाना गाना में आपको बेसिकली फोर कोर्ड्स आपको लगेगा। फोर कोर्ड्स ये एफ मेजर, एसर, सी एंड जी माइनर। ये गाना शुरू होता है, उसके बाद जो क्रॉस पार्ट है उसमें जी माइनर, तो इसका जो रिदम पैटर्न है उसको हम जान लेते हैं। तो इसमें ऐसा है, आपको तीन बार डाउन स्ट्रोक मारना है, मतलब थर्ड टाइम में आपको म्यूट करना है, पाम म्यूटिंग बोलता है ये वाला। एक बार अप स्ट्रोक, दो बार डाउन स्ट्रोक, उसके बाद थर्ड टाइम में आपको पाम म्यूट करना है, उसके बाद फोर्थ टाइम में आपको अप स्ट्रोक करना है। सुपर इजी। उसके बाद सी। तो इसका जो इंट्रो है उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसके लिए आपको फर्स्ट स्ट्रिंग में, फर्स्ट स्ट्रिंग का जो है थर्ड से फिफ्थ तक आपको स्लाइड करना है। उसके बाद सिक्स, सिक्स का आते ही आपको सेकेंड स्ट्रिंग का एट ब्रेथ में पुल अप बैंड करना है, और एक बार बैंड। उसके बाद सिक्स, उसके बाद थर्ड ऑन सेवन टू फिफ्थ, फिर थर्ड ऑन फाइव सेवन, उसके बाद सेकेंड ऑन सिक्स, उसके बाद सेकेंड का जो एट से टेन तक स्लाइड करना है। तो इस प्रकार कुछ बनेगा। उसके बाद सेम चीज इसमें, यहाँ तक सेम है। उसके बाद सेकेंड का जो सिक्स से सेवन, सिक्स सिक्स एट, एट से टेन तक आपको स्लाइड करना है। उसके बाद एट में बैक बैक, उसके बाद एट टेन, उसके बाद टेन टू इलेवन में थोड़ा सा, उसके बाद थर्ड ऑन ट्वेल्व, और सेकेंड ऑन टेन इलेवन, उसके बाद सेकेंड ऑन थर्टीन, उसके बाद टेन ऑन फर्स्ट एंड थर्टीन ऑन सेकेंड। तो इस प्रकार इसमें बैंड है, थर्टीन में प्री बैंड, थर्टीन का पार्ट स्ट्रिंग में बैंड बैंड
पिकअप, उसके बाद टेन टेन में टेन में एक बार, उसके बाद इसमें ट्वेल्व टेन का जो सेकंड स्ट्रिंग में पुल एंड बेंड एंड पिक, उसके बाद एट एंड सेकंड इसमें कंटिन्यूस दो बेन है, लास्ट में सेकंड में सेकंड का एट स्ट्रिंग में आपको होल्ड करना है। इसमें जो पर्स जो लीक शुरू होता है इस तरह के, तो इसमें कुछ ऐसा साउंड आता है, आपको थर्ड स्ट्रिंग का सेकंड फ्रेट, उसके बाद थर्ड स्ट्रिंग का थर्ड फ्रेट, उसके बाद सेकंड स्ट्रिंग का फर्स्ट फ्रेट और थर्ड फ्रेट का सेकंड और थर्ड, ठीक है। इस पर कर बात, ये एफ कोड, तो हम पर सोलो को देखते हैं, तो कुछ इस प्रकार है। आपको फोर्थ स्ट्रिंग में फोर्थ स्ट्रिंग का जो थर्ड और फिफ्थ फ्रेट में, फिर फिफ्थ से सेवन, सेवन में एक बार, सेवन टू एट में फाइव में बैक, उसके फाइव में आपको फाइव से आपको ये सिक्स स्ट्रिंग का सेवन फ्रेट में, उसके बाद फाइव, यहाँ हैमरिंग है फाइव और सेवन में, थ्री में यहाँ हैमरिंग करके आपको थर्ड फ्रेट में सेम स्ट्रिंग का थर्ड फ्रेट में आ जाना है। उसके बाद जो इसमें एक थर्ड स्ट्रिंग का जो फिफ्थ है और फिफ्थ से सेवन में आपको स्लाइड, आपको उसके बाद स्लाइड करने के बाद आपको फोर्थ स्ट्रिंग का सेवन फाइव थ्री, उसके बाद फाइव से सेवन में सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद ये वाला तो आपको इसमें क्या करना है, फर्स्ट स्ट्रिंग का जो है थर्ड फिफ्थ फ्रेट में आ जाना है, फिफ्थ फ्रेट और सेकंड स्ट्रिंग का सिक्स फ्रेट, उसके बाद ये एक्सटेंड करना, ये फिंगर को एक्सटेंड करके छोड़ देना है, फर्स्ट स्ट्रिंग ऑन सिक्स एंड
एट प्रेट ऑन सेकेंड स्ट्रिंग, उसके बाद इसको 10 प्रेट तक स्लाइड करके ले जाना है, फिर 10 प्रेट में एक बार आपको, उसके बाद 10 ऑन सेकेंड और 8 ऑन सेकेंड, उसके और एक बार 8 में, उसके बाद 9 ऑन थर्ड नाइन सेवन फाइव, ठीक है, उसके फर्स्ट स्ट्रिंग का जो है सेवन से सॉरी एट से टेन तक स्लाइड करना है, उसके बाद एट में बैक, उसके बाद सेकेंड स्ट्रिंग का जो है 10 फ्रेट में आपको हैमरिंग करना है, उसके बाद सेकेंड स्ट्रिंग का 8 से 10 तक स्लाइड करना है, उसके बाद जो मेन सोलो है गाना का ये वाला, तो इसका जो सेकेंड सोलो है इसको हम सीखने का कोशिश करते हैं। आपको पर्स स्ट्रिंग का जो है फिफ्थ फ्रेट और सेकेंड स्ट्रिंग का सिक्स फ्रेट, जैसे कि ये एफ मेजर कॉर्ड, तो इस तरह का आपको होल्ड करना है, उसके बाद ये अब ये फिंगर को यूज़ करना है, थर्ड फिंगर को यूज़ करके, ठीक है, स्लाइड करना है सेम शेप लेके, आपको यहाँ में 10 प्रेट तक आपको स्लाइड करना है, को यहाँ ये करना है, ये आपको सेकेंड स्ट्रिंग का जो 8 फ्रेट है वहाँ में हैमरिंग करना है, क्या 7 6 फ्रेट, फिर 8 से 7, उसके बाद फाइव फ्रेट, उसके बाद थर्ड स्ट्रिंग का फाइव से आपको सेवन में स्लाइड करना है, ठीक है, आपको ऐसा भी चलेगा, बट अगर आप नया नया गिटार सीखा है तो, बट अगर आप थोड़ा सा मेलोडी तानना चाहते हैं यह भी कर सकते हैं। उसके बाद एक आपको इस तरह से फोर करना है, पर्स और पर्स के थर्ड फोर को ये फिंगर से कवर करें, उसके बाद आर सिक्स ब्रेथ का पर्स आप उठाना है, उसके बाद पर्स स्ट्रिंग का एट ब्रेथ पर स्ट्रिंग का 8 और सेकेंड स्ट्रिंग का 6, ठीक है, इस ठीक है, आपको पर स्ट्रिंग का एट
उसके बाद सेकंड स्ट्रिंग का सिक्स फाइव, पर स्ट्रिंग का फिर इसमें कुछ ऐसा है, पर स्ट्रिंग का जो है फिफ्थ और सिक्स में, फिफ्थ और सिक्स उसके बाद आपको एट तक स्लाइड करना है, फिफ्थ से सिक्स से एट तक स्लाइड करना है, ठीक है। उसके बाद इसमें एक सिंक्रोनिकल एक वो है, आपको एट नाइन ट्वेल्व आपको थर्टीन हेमरिंग, थर्टीन और ट्वेल्व में हेमरिंग, फिर सॉरी टेन ट्वेल्व थर्टीन, उसके बाद आपको सेकंड स्ट्रिंग का इलेवन और थर्ड स्ट्रिंग का ट्वेल्व, उसके बाद सेकंड स्ट्रिंग का टेन, उसके बाद बैक टू इलेवन, उसके बाद थर्टीन में दोनों इसमें थर्टीन में प्लेगा, के बाद ये जो आरपीजियो है तो ये आरपीजियो इस प्रकार है, आपको पर्स स्ट्रिंग, पर्स ऑन टेन, पर्स स्ट्रिंग ऑन टेन, सेकंड ऑन इलेवन एंड थर्ड ऑन टेन, सेकंड ऑन फिर से सेकंड ऑन इलेवन एंड सेकेंड ऑन इलेवन एंड थर्ड ऑन टेन, उसके बाद नाइन टू टेन, उसके बाद ट्वेल्व ऑन फोर, बैक टू ट्वेल्व ऑन फोर, थर्ड ऑन नाइन, थर्ड ऑन टेन ट्वेल्व, फिर टेन ट्वेल्व, आपको लिक बैंड है, ट्वेल्व फ्रेट ऑन थर्ड स्ट्रिंग में बैंड है, उसके बाद के बाद थर्टीन फ्रेट का जो सेकेंड स्ट्रिंग है उसको हिट करना है, उसके बाद थर्ड स्ट्रिंग का जो टेन फ्रेट पे उसमें वापस आना है, उसके आपको ये जो सेकेंड स्ट्रिंग और थर्ड स्ट्रिंग में आपको दो बार अपस्ट्रोक, सेकेंड स्ट्रिंग और थर्ड स्ट्रिंग का जो इसमें सेकेंड स्ट्रिंग ऑन टेन और थर्ड स्ट्रिंग ऑन नाइन, उसके बाद थर्ड स्ट्रिंग में आपको ट्वेल्व टू, तो ये रहा मेन सोलो।
तो फ्रेंड्स, ये था आई मिस यू बेबी का गिटार ट्यूटोरियल वीडियो। मैंने इसमें जितना भी इम्पोर्टेंस जो लिरिक्स है, सोलोस है, उसको मैंने कवर करने का कोशिश किया है। आप लोग भी सीखिए और आप लोग भी सीख पाएंगे, मुझे ऐसा भरोसा है, अगर आप लोग थोड़ा सा मेहनत करेगा तो। और लास्टली, सॉरी फॉर वॉइस अनक्लियरिटी, मैं आप लोग को अच्छा से समझा नहीं पाता हूँ क्योंकि मैं बीच में अटकता हूँ आप लोग को समझाने, उसके लिए आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और मैं इस पर काम कर रहा हूँ, जो कि मैं आने वाला वीडियो में मैं आप लोग को अच्छा वीडियो बना कर दूँगा, अगर आप लोग मुझे इस तरह के सपोर्ट करते रहेगा तो। और कौन सा गाना आप लोग सीखना है वो आप लोग नीचे कॉमेंट कीजिएगा, और आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरा इस चैनल को। थैंक यू, मिलते हैं इसी तरह के और नए वीडियो में। बाय बाय।